सर एक नंबर के कुछ मंगवाए ने वोट नहीं लगे ये लगा के भी नहीं आया। चाचा गोखले इनकी अच्छे से कर देंगे। क्या हाल है भाई तुषार? यहाँ राजदी ढाबे पे विक्की भैया मेरे साथ हैं, मिलवाता हूँ आपको। ये ऐसा है कुछ ढाबा जा रहे ये पनीर भुर्जी, ये जीरा राइस, रोटी और ये दाल तड़का। चलो खाते हैं रोहित भाई कैसा है। चलो खाते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। एक दो किलो तो यार तू तो रही से यार, एक दो किलो लाया तो लठ गाड़ दिया तूने यार, हमारी तो बस की नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, मैं अमित तोमर एंड यू वॉचिंग एटी ब्लॉग्स। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छे ही होने चाहिए वैसे भी। और कल वृंदावन से और बरसाने और नंदगांव की होली खेलकर वापस आ गए थे दिल्ली। अब सीधा हमारा रुख हो गया कि रोहित भाई क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, क्या हाल है, मैं भी मस्त हूँ। और अब वहाँ से आके अब जा रहे हैं सीधा कैची धाम की तरफ, रोहित भाई को भी छोड़ देंगे। और बहुत दो तीन महीने हो गए हैं बाबा नीम करौली जी के दर्शन भी नहीं हुए हैं, तो सोचा इस बहाने दर्शन भी कर लेंगे। चलो चलते हैं, रास्ते में आपको भी दर्शन कराते हैं, खुद भी करते हैं, और जो जो चीज रास्ते में आपको दिखाने लायक बताने लायक होगी वो बताते हैं। भैया भूख लग गई थी, चलते चलते पहुंचने वाले रोहित भाई के घर, रह गया होगा मुश्किल से 50-1 किलोमीटर, तो हमने सोचा कुछ खाना ही खा लें, कुछ खाने ही खा लें। ये मंगाया हमने, ये पनीर भुर्जी, ये जीरा राइस, रोटी और ये दाल तड़का। चलो खाते हैं रोहित भाई कैसा है। चलो खाते हैं, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। जय नीम करौली बाबा की जय। आ गए हैं जी धमोला से यहाँ कैची धाम दर्शन करने के लिए, क्योंकि दो महीने से आया नहीं था ना, हर महीने आता हूँ दर्शन करते हैं। चलिए कुछ ऐसा माल, हमेशा भीड़ रहती है यहाँ तो बाबा के। रोहित भाई क्या बन गए हैं होली पे, इनके घर फंक्शन हो रहा है, ये होली का लड़की बन के जा रहे हैं ये देखो। चलो चलो ये जा रहे ये देखो कैसे डांस कर रहे हैं। गाड़ी खुल गई। ये देखिए रोहित भाई डांस कर रहे हैं। मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है, मैं अमित तोमर एंड यू वॉचिंग एटी ब्लॉग। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबके दिन चल रहे होंगे। एक्चुअली मैं विक्की भैया ना कहीं जा रहे हैं अभी, पहले तो हम रोहित भैया के घर जा रहे हैं, रोहित भैया के घर से फिर सोच रहे हैं कहीं जाने की, कहाँ जाते हैं बताते हैं आपको। रास्ते में थोड़ी भूख लग गई तो उसके लिए हम रुके हैं यहाँ राजदी ढाबे पे, विक्की भैया मेरे साथ हैं, मिलवाता हूँ आपको। ये ऐसा है कुछ ढाबा, और विक्की भैया क्या हाल है। बढ़िया। यहाँ तो बहुत साफ आ रहा है यार, मामला मामला साफ आ रहा है। हाँ। लाइट प्रॉपर आ रही है ना, क्योंकि विंडो का ऑफिस आ रही है। और सुनाइए कैसे रहे आप। बढ़िया। मैंने सुना है आपने जॉब छोड़ दी है। अब हमने राम राम कर दिया जॉब को,
बताओ की जगह फोकस करेंगे। 80,000 रुपए की जॉब छोड़ दी इन्होंने, बताओ आप 80,000 रुपए कितने मुश्किल होते हैं कमाने भैया। मगर ये आप 80,000 की जॉब छोड़ी है इन्होंने, यूट्यूब के लिए लगा लो तो फिर यूट्यूब से कितने कमा रहे होंगे सोचो जरा आप। डेली 80,000 कमाएंगे। चलो खाते हैं फिर, क्या मंगा रहे हो विकी भैया? क्या मंगा रहे हो बताओ, आप बताओ ना आपकी पसंद की खा लेंगे। मेरे को तो मिक्स वेज पसंद है भैया। और आ गया है मिक्स वेज और प्लेन तंदूरी रोटी और मिर्च इतनी बड़ी बड़ी, विक्की भाई खाएंगे इन सबको मिर्चों को। और शिकंजी मंगाई है हमने, ये खाने के नहीं है ना, रोहित भाई तो खा जाते हैं इनको सबको। हमारी शिकंजी विक्की भाई कैसी है शिकंजी? बढ़िया। और रेट भी ज़्यादा नहीं है, 50 रुपये। चलो भैया खाना वाना खा लिया, चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ। हमारी खड़ी हुई है, निकालते हैं गाड़ी और चलते हैं घर रोहित भैया के। तो भाई बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर रह गई है और अभी रोहित भाई को बताया नहीं, उनका फ़ोन आया था, मैंने कहा यार हम तो दिल्ली हैं हम नहीं आ रहे हैं, हम बाद में आएंगे, तो उन्हें पता नहीं है, सरप्राइज देते हैं उनको। क्यों विक्की भाई? हाँ भैया बिल्कुल, कैमरे का क्या हाथ आ रहा है आपका? नहीं अब नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल इसको यहाँ पे रख के बनाया करो ना, और अच्छा यहाँ पे रख के बना लेंगे। चलिए ये पहुँच गए हम बस, यहाँ से मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता है। चलिए मिलते हैं, बने रहिए तब तक और देखते रहिए एटी ब्लॉग्स। ये देखो यारे बेचारे लंगड़े, ये देखो एक्टर एक नंबर के, कुछ नहीं हुआ इन्हें, चोट भी नहीं लगी कुछ नहीं। साला ये लगा के भी नहीं आया, चाचा गोखले इनकी एस्थेसी कर देंगे। क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे थे यहाँ तुम? तुम कह रहे थे कि ये तुम के, आप कह रहे थे कि ये कह रहा सुबह से ये काटा थोड़ा जाएगा जो गालियां दे रहे हैं, लड़खड़ा रहा जुबान तेरी, पैर से तो लड़खड़ा ही रहा, जुबान भी लड़खड़ा रही है। आओ फिर आओ। नहीं 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 बैठना, चाचा बैठे अकेले, बेटा अब यहां तक आए मेरे। अबे नहीं नहीं वो मेरी बात सुनो ना, ना भाई नाश करवा दोगे तुम। अरे मार्क्स से मिलते रहो वो। अभी हेलो कहना, अभी आए करा लिया है भाई इलाज, और नाश हो गया दर्द के मारे, रोहित भाई का भी करा लिया है। अब यहाँ आए हैं सीधा तुषार के पास, हल्द्वानी में तुषार की शॉप है। क्या हाल है भाई तुषार? तो भाई आइसक्रीम दे दी है भैया ने तुषार, हमारे भाई ने। तुषार भाई धन्यवाद बहुत बहुत खिलाने के लिए, और विक्की भाई को भी दिखे, दिखाओ हाथ, दिखाओ पूरा सही तरह से। हाँ ये देखो ये रे, और ये मेहमान, और वो कहाँ गए नकली आदमी? कहाँ है नकली आदमी? गया एक दो किलो तो यार तू तो रही है यार, एक दो किलो लाया, एक दो किलो तो बहुत होती है, लठगाड़ दिया तूने यार, हमारी तो बस की नहीं। तो मतलब शिलाजीत के फायदे क्या क्या है वो बताओ? शिलाजीत का फायदा है ब्रदर, इस शरीर को फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए जरूरी, स्टैमिना बनाती है, स्टैमिना स्टैमिना कैल्शियम एनर्जी स्टैमिना। तो भाई मतलब कहने का मतलब, और अपने नेपाल में सबको दिखाना कि रोहित पहाड़ी बोतल नेपाल आएंगे, ठीक है? तो भाई नेपाल के लोग जितने लोग